नेशनल अलायंस कमेटी में अशोक गहलोत, सचिन पायलट को दिया छत्तीसगढ़ का जिम्मा, राजस्थान में नया चेहरा ढूंढ रही कांग्रेस। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। बात अगर राजस्थान की करें तो जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी उस समय अशोक गहलोत और सचिन पायलट में कुर्सी की जबरदस्त खींचतान देखने को मिली थी। पार्टी आला कमान ने दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाकर खूब समझाया भी था कि मीडिया के सामने किसी तरह के सार्वजनिक बयान देने से बचें, लेकिन दोनों ही नेता आला कमान की खींची हुई लकीर पर भी नहीं चल पाए और इस खींचतान का असर यह हुआ कि राजस्थान में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ गया। लेकिन अब अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने अपने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। पार्टी ने शनिवार को प्रियंका गांधी की जगह अविनाश पांडे को यूपी का प्रभारी बनाया है, जबकि सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी सौंप दी है। छत्तीसगढ़ की प्रभारी रही कुमारी शैलजा को उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा केरल कांग्रेस के बड़े नेता रमेश चेत्रीथला को महाराष्ट्र, रणदीप सिंह सुरजेवाला को कर्नाटक, मोहन प्रकाश को बिहार, देवेंद्र यादव को पंजाब की जिम्मेदारी दे दी गई है। इस लिस्ट में सबसे अधिक चौंकाने वाला नाम सुखजिंदर सिंह रंधावा का रहा है। दरअसल राजस्थान में रंधावा के प्रभारी रहते हुए पार्टी की हार हुई है, उसके बावजूद उन पर किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया गया। इससे पहले कांग्रेस ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नेशनल अलायंस कमेटी में शामिल किया था। कांग्रेस ने नेशनल अलायंस कमेटी में जिन 5 नेताओं को शामिल किया है उनमें अशोक गहलोत का नाम भी शामिल है। उनके अलावा इसमें मुकुल वासनिक, सलमान खुर्शीद, भूपेश बघेल और मोहन प्रकाश शामिल हैं। कमेटी लोकसभा चुनावों से पहले विपक्षी दलों के गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर सहमति बनाने पर काम करेगी। राजस्थान के दोनों बड़े नेताओं को राज्य से बाहर भेजकर पार्टी आलाकमान ने एक ये भी बड़ा संदेश दे दिया है। माना ऐसा जा रहा है कि पार्टी राज्य में कोई नया चेहरा तलाश रही है, जिसको लेकर दोनों पक्षों की सहमति बने ताकि प्रदेश स्तर पर पहले की तरह खींचतान न दिखाई दे, जिसका फायदा हाल ही में हुए चुनावों में बीजेपी ने उठाया है। सचिन पायलट टोंक सीट से विधायक चुने गए हैं। पायलट का राजस्थान से बाहर जाना उनके समर्थकों के लिए एक बड़ा झटका भी है। इसके अलावा राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष की लड़ाई भी चल रही है। पायलट अब इस रेस से भी अब बाहर हो गए हैं। अब देखना यह होगा कि दोनों नेताओं को राष्ट्रीय राजनीति में भेजने के बाद पार्टी राज्य में किस नए चेहरे को सामने करती है। लेकिन कहना यह भी गलत नहीं होगा कि कांग्रेस ने अभी से लोकसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है, जो फेरबदल भी किया है इसी को देखते हुए कांग्रेस ने किया भी है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।